हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने एक प्रॉब्लम थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, टू कंटेनर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 242/7 सेंटीमीटर एंड रेडियस अंडर रूट 8.3 सेंटीमीटर। तो एक कंटेनर है ए, दूसरा कंटेनर है बी, और ये कनेक्टेड हैं एक सिलेंड्रिकल रॉड से। सिलेंड्रिकल रॉड की लेंथ है 242/7 सेंटीमीटर एंड रेडियस है अंडर रूट 8.3 सेंटीमीटर। इसके आगे क्वेश्चन कहता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज 693 वॉट पर मोल पर केल्विन। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। द कंटेनर ए कंटेन्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कंटेनर बी कंटेन्स 4 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो इसमें डायटोमिक गैस है और कंटेनर बी में एक मोनाटोमिक गैस है। एट टी इक्वल टू 0 टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द कंटेनर्स इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली इन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। आफ्टर वॉट टाइम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हीट का फ्लो होगा एक से दूसरे कंटेनर में तो टेम्परेचर का डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। तो हमको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद टेम्परेचर का डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होकर 25 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू रॉड ओनली, यानी कि हमको रेडिएशन कन्वेक्शन वो सारे इफेक्ट नहीं लेने, केवल कंडक्शन का ही इफेक्ट लेना है। नेगलेक्ट रेडिएशन लॉस, आर की वैल्यू ये लेना है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, एल एन 2.693 और पाई की वैल्यू को 22/7 रखना है। तो पाई इसमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है इससे कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा। इसलिए डेटा इस तरह से सेट किया है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक इंटीजर में, सिंगल इंटीजर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन है और इसका टेम्परेचर है T1, और जिस कंटेनर में हीलियम है इसका टेम्परेचर कितना है, T2 के बराबर है। किस इंस्टेंट पर मान रहे हैं हम ये, किसी भी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर। ठीक है, ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कितना है, T1 - T2 के बराबर है, जिसको कि हमने लिखा T। तो अगर इस रॉड में टेम्परेचर का डिफरेंस, रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस T है, तो कंडक्शन के थ्रू हीट का फ्लो होगा और वो होगा dQ/dt इक्वल टू kAT/L, जिसमें T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, K आप जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया क्रॉस सेक्शन है, और L क्या है, लेंथ है। हमको के भी गिवन है क्वेश्चन में, ए भी गिवन है, एल भी गिवन है, टी टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि हमने यहाँ पर अज्यूम किया है। अब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे। मान लेते हैं हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, O2 से हीलियम की तरफ हो रहा है। कंटेनर ए से, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, तो कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है ये हमने मान लिया। तो हाई टेम्परेचर कौन सा है, T1 है, और लो टेम्परेचर कौन सा है, T2 है। तो किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर जब इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हीट का लॉस करेगी, इस कंटेनर में जो हीट का लॉस होगा वो इसके थ्रू जाएगा रॉड के थ्रू, और रॉड के थ्रू हीट का जो फ्लो होगा उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर हीलियम का T2 से इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन वाले कंटेनर में टेम्परेचर T1 से डिक्रीज होके कुछ कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि सपोज हीट लॉस्ट बाय O2, O2 ने जो हीट लूज की वो कितनी है, NC1 dT1, जिसमें C1 क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और ये डायटोमिक गैस है ऑक्सीजन, तो C1 की वैल्यू होगी 5R/2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है, केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो dQ इक्वल टू हमने NCV dT लिखा है, और NCV dT में CV की वैल्यू कितनी है, 5R/2 होगी इस केस में, और नंबर ऑफ मोल्स भी 2 गिवन है। अभी हम सारा क्वेश्चन सिंबल में सॉल्व कर रहे हैं। तो किस रेट से हीट का लॉस हुआ उसको हम लिखते हैं, तो उसको मैंने लिखा -dQ1/dt। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये हीट का लॉस है, तो dQ1/dt हीट का लॉस हुआ, N1C1 dT1/dt इस रेट से हीट का लॉस हो रहा है। और ये हीट जा कहाँ रही है, यही हीट जो है इस रॉड के थ्रू फ्लो होके किसमें पहुंच जाती है, हीलियम में पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर dQ1/dt को कितना लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जो dQ/dt की वैल्यू थी kAT/L, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो dQ/dQ1/dt को हमने इतना लिखा।
जितना हीट का लॉस इसमें हुआ है वही हीट इससे फ्लो करके चली गई है। तो डी क्यू वन बाई डी टी को हमने लिखा के ए टी बाई एल के बराबर एन वन सी वन डी टी वन बाई डी टी। तो यहाँ से डी टी वन बाई डी टी इक्वल टू सॉल्व करने पर कितना जाता है, माइनस के ए टी अपॉन एन वन सी वन एल। अभी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी है, मैं केवल सिंबल में ही कर रहा हूँ। अब ये जो हीट का फ्लो हुआ, ऑक्सीजन ने हीट को का लॉस हुआ, इस कंटेनर से हीट का लॉस हुआ, वो हीट यहाँ से फ्लो हुई और किसके पास पहुँच गई है, हीलियम के पास। तो यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनिशियल से। तो हीट रिसीव्ड बाई हीलियम, इसको मैं लिखता हूँ, ये होगी डी क्यू टू इक्वल टू एन टू सी टू डी टी टू। हीलियम का टेम्परेचर कितना था, टी टू था, हीट रिसीव की तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया, डी टी टू के बराबर स्मॉल हीट का फ्लो हुआ है। ठीक है, तो एन टू सी टू डी टी टू, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम है। नंबर ऑफ मोल्स जो कि उसमें फोर गिवन है, सी टू हीलियम मोनाटोमिक गैस है तो इसके लिए सी टू की वैल्यू 3R/2 होगी और डी टी टू। अब इसको अगर हमने टाइम के रिलेटिव डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी क्यू टू बाई डी टी इक्वल टू एन टू सी टू डी टी टू बाई डी टी होगा। ये देखो टाइम के साथ ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये जो हीट का फ्लो होगा ये कहाँ से हो रहा है, ये रॉड से फ्लो के आ रही है हीट हीलियम के पास। तो इसको फिर हम कितना लिख सकते हैं, के ए टी बाई एल के बराबर लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, कहाँ से लिख रहे हैं हम ये, हम लिख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 2 से, कि रॉड के थ्रू जो हीट का फ्लो हुआ है वो के ए टी बाई एल है। मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन ने जो हीट का लॉस हुआ वो उस हीट का फ्लो यहाँ पर हुआ रॉड के थ्रू, और वो हीट किस में पहुँच गई है, हीलियम में पहुँच गई। इसने लॉस किया, इसमें फ्लो हुआ, इसने वो रिसीव की। तो डी क्यू टू बाई डी टी को हम लिख सकते हैं के ए टी बाई एल एन टू सी टू डी टी टू बाई डी टी। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब मैं ज़रा इक्वेशन नंबर 1, 3 और 4 जिनका कि हमें आगे यूज़ कर रहे हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो मैंने तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर एक साथ लिख लिया है। टी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू है, डी टी वन बाई डी टी, डी टी टू बाई डी टी की वैल्यू हमको मालूम है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को करता हूँ डिफरेंशिएट, तो डी टी ओवर डी टी इक्वल टू डी टी वन बाई डी टी माइनस डी टी टू बाई डी टी। और इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, किसकी, ये डी टी वन बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से, डी टी टू बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा, और जो टी है ये कॉमन निकाल लेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये होगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस के ए बाई एल वन अपॉन एन वन सी वन प्लस वन अपॉन एन टू सी टू इंटू डी टी के बराबर। अब हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स चेक करते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर में डिफरेंस कितना था, 50 था। ध्यान रहे कि ये जो टी है ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो टी इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर में डिफरेंस कितना था, 50। टाइम टी पर टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 25। इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा एल एन टी लिमिट रखने के बाद और इस नेगेटिव साइन को भी एडजस्ट कर देने के बाद ये हो जाएगा प्लस एल एन टू, और के ए बाई एल वन अपॉन एन वन सी वन प्लस वन अपॉन एन टू सी टू इंटू टी। इसके बाद मुझे आगे नहीं करना चाहिए था, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आप खुद कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैं ये शो करने के लिए मैंने कुछ स्टेप आगे बढ़ा दी हैं जिससे आपको पता चले कि जो डेटा गिवन था वो इस तरह से सेट था कि एक इंटीजर वैल्यू आंसर में आ जाए। तो एल एन टू की वैल्यू थी 0.693, के की वैल्यू है 693, एरिया इतना दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में था इसलिए 10^-4 किया है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ था अंडर रूट 8.3, तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, पाई की जो वैल्यू है मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये है 22/7। पाई की वैल्यू हमने लिखी है 22/7 के बराबर, और यहाँ पर भी ये 22 होगा, ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एन वन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे, 2 थे। सी वन की वैल्यू 5R/2, एन टू था 4, सी टू की वैल्यू 3R/2। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इंटीग्रेशन डी टी कितना हो गया है, टी के बराबर हो गया है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो 693 10^-3 हमने इसको लिखा,
ये 693 एज इट इज़ रहा, और ये सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद जब हम टाइम निकालते हैं तो वो टाइम आता है टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 सेकेंड। तो जे एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये डाउट प्रॉब्लम मुझे कल मिली थी, इसका सोल्यूशन बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं बहुत सारा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी अभी बिजी हूँ, क्योंकि जेई एडवांस बिल्कुल एक दो दिन बाद ही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करें और उसको दोबारा जाएं और उसको फिर से रिवाइज करके देखें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में आपको मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।